हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था कल, तो हमने कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशंस देखी थी कि कंपाउंड आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उनकी जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है स्पेस में, वो जब डिफरेंट होती है तब उसको हमने क्या कहा था स्टीरियो आइसोमर, और वो जो फिनोमिनन है, वो जो दो मॉलिक्यूल्स पजेस करते हैं, उसको हमने किया कहा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने कल देखा था काइरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्टरिक मार्क, यानी ऐसा कंपाउंड जिसको चार डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच होंगे तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं काइरल सेंटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कल एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, ओके, अब फिर से आपको एक बार याद दिला रहा हूं, ये जो ग्रीन बॉल है ये है आयोडीन, ये जो रेड बॉल है ये ब्रोमीन, ये जो ब्लू बॉल है ये है क्लोरीन, और ये जो व्हाइट बॉल है ये क्या है हाइड्रोजन, और ये जो ब्लैक बॉल है ये कौन है, तो कार्बन है। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये जो कार्बन है ये काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर बोलते हैं इसको, क्यों काइरल सेंटर कहा जाता, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहा जाता, इसको और एक शब्द है असिमेट्रिक सेंटर भी कहा जाता है, असिमेट्रिक सेंटर भी क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है इसको हम काइरल सेंटर कहते हैं क्योंकि इसको चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ओके, इसको हम क्या करते हैं चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ओके, इसको हम कहते हैं काइरल सेंटर। अब हमको देखना है काइरल मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल, देखो इसकी डेफिनेशन कर रहा हूं, द मॉलिक्यूल विच पजेस अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज सच अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज काइरल मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं, काइरल मॉलिक्यूल। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये काइरल सेंटर है जो कार्बन को चार डिफरेंट ग्रुप लगे, इसको हम कौन सा सेंटर कहेंगे, काइरल सेंटर, ओके। अब ये काइरल सेंटर की मैं अगर मिरर इमेज देखू, अगर मिरर इमेज, मैंने कल कहा था आपको दो रिलेशनशिप पढ़ाई थी, अगर जैसे के वैसे अगर उसको मैच करता है तो उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल, अगर मैच नहीं करता है तो उसको हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो इसकी अगर मैंने मिरर इमेज ली, मिरर इमेज, ओके, तो इसकी देखो अगर मैंने मिरर इमेज लेता हूं तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो कार्बन के सामने कार्बन आएगा, ओके, देखो कार्बन के सामने कार्बन आएगा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा, ये जो ब्रोमीन है ये साइड पे आएगा और ये हाइड्रोजन ये साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने ये जो है ये दो मॉलिक्यूल्स है इनको अगर मैंने इम्पोज करने की कोशिश की, एक के ऊपर एक रखा, तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन के ऊपर देखो कार्बन आ रहा है, आयोडीन के ऊपर आयोडीन आ रहा है, लेकिन देखो पीछे से अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन पे क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन पे कौन आ रहा है, तो ब्रोमीन आ रहा है, यानी डिफरेंट कलर के बहुत सारे। तो अगर मैंने इसको इम्पोज करके देखा तो ये क्या है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, किसके ऊपर, अपने मिरर इमेज के ऊपर, उसको हम कौन से मॉलिक्यूल कहेंगे, तो काइरल मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है काइरल मॉलिक्यूल, ओके। अब हमको देखना है काइरलिटी, ओके, द रिलेशनशिप
बिटवीन, बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, इज कॉल्ड एज कायरलिटी। उसको हम कायरलिटी भी कहते हैं या फिर हैंडीनेस भी कहते हैं, और हैंडीनेस। अब उसको हैंडीनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे हैंड में भी वही रिलेशनशिप होती है। देखो अब ये दो तो देखो स्टूडेंट्स, हम कायरलिटी देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल एंड मिरर इमेज। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल्स का इसके मिरर से, ये देखो ये मैंने इसके सामने अगर मिरर रख दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके मिरर से जो रिलेशन है, जो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का, इस रिलेशन को कहा जाता है कायरलिटी, या फिर उसको हम कहते हैं हैंडीनेस। क्या कहते हैं? हैंडीनेस। इसको हैंडीनेस भी इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मेरा हैंड देखोगे और इसके मिरर इमेज देखोगे तो ये कुछ तो इस तरह से दिखेगी। ओके, अगर मैंने इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश की तो बराबर देखो मेरे थंब पे थंब नहीं आएगा, सिर्फ मिडल फिंगर इम्पोज हो रहा है। इसका मतलब इनमें कौन सा रिलेशनशिप है? तो कायरल रिलेशनशिप है, कायरलिटी रिलेशनशिप है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? हैंडीनेस कहते हैं। ठीक है, तो कायरलिटी के बारे में और कायरल मॉलिक्यूल के बारे में जो मैंने डेफिनेशन करके दी है वो लिख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के लिए हमको अगली टर्म समझना जरूरी है, जिसका जो रिलेशन है लाइट से। अभी देखो ये लाइट का जो टर्म है, इसके बाद आप डेफिनेशन याद रख लो कि कौन से तरह के लाइट रहते हैं। मैं आपको बाद में इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो लाइट जो है वो लाइट तीन टाइप की होती है। सबसे पहले होती है ऑर्डिनरी लाइट, जो हमारी सनलाइट वगैरह होती है, ऑर्डिनरी लाइट। ओके, उसके बाद जो सेकेंड टाइप की लाइट होती है वो होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, और थर्ड टाइप की जो लाइट होती है वो होती है प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, अब देखो ये टर्म हमको समझ लेना पड़ेगा। हमारे काम की जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ओके, बाकी हमको दोनों लाइट की जरूरत नहीं, लेकिन हमको प्लेन पोलर लाइट समझने के लिए ऑर्डिनरी लाइट समझनी चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हमको समझ में आती है तो हमको प्लेन पोलर लाइट भी समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ एंड vibrates in different plane, ऐसे लाइट को कहा जाता है ऑर्डिनरी लाइट। देखो ऐसा लाइट जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ है, जैसे हम सनरेज, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट रहती है, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स है, और वो जो वाइब्रेट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट होती है, तो ऐसे लाइट को कहा जाता है ऑर्डिनरी लाइट। उसके बाद हमको देखना है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में सिर्फ एक ही डिफरेंट है, देखो इट कंटेन्स रेज ऑफ ओनली वन वेवलेंथ but vibrates in different plane, अब देखो यहां पे एक वेवलेंथ की लाइट है। देखो ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ है, लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या है? एक ही वेवलेंथ है, लेकिन वाइब्रेट डिफरेंट प्लेन में हो रही, तो ऐसे लाइट को कौन सा लाइट कहा जाता है? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो ऑर्डिनरी लाइट यानी क्या? डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट प्लेन, ऑर्डिनरी लाइट।
सेम वेवलेंथ डिफरेंट प्लेन, यानी वो कौन सी लाइट होगी? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब तीसरी गेस करो, तीसरी, इट कंटेन्स रेज ऑफ सेम वेवलेंथ बट सॉरी सेम वेवलेंथ एंड vibrates in same plane, vibrates in same plane is called as plane polarized light. तो देखो तीनों भी लाइट समझ लो, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट यानी ऐसा लाइट जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट प्लेन। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी ऐसा लाइट जिसमें सेम एक ही वेवलेंथ पर डिफरेंट प्लेन, और जिसमें वाइब्रेट्स इन ओनली वन प्लेन और एक ही वेवलेंथ का लाइट रहता है उसको कौन सा लाइट कहता है? प्लेन पोलराइज लाइट। अब क्या है, आपकी बुक में से ये जो डेफिनेशन है ये रिमूव कर दिए, आपको सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट का पता होना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड प्लेन पोलर लाइट इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमको देखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इसका ये कैसे होता है देखो। समझो, कंसिडर करो कि एक बीकर है, ये बीकर में मैं कोई तो भी एक कंपाउंड ले रहा हूं और इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहा हूं। देखो प्लेन पोलराइज लाइट यानी जिसमें एक वेवलेंथ होगी और एक ही प्लेन होगा, उसको हम कौन सी लाइट बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, अब मैं इस कंपाउंड के ऊपर जिसका मैंने सॉल्यूशन लिया है वो बीकर में, उसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहा हूं। प्लेन पोलराइज लाइट डालने के बाद अगर उस सॉल्यूशन ने, कंपाउंड के सॉल्यूशन ने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट यानी ऐसा कुछ तो भी लाइट जा रहा है, ऐसा रोटेट कर दिया इसको आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, अगर कोई सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को अगर रोटेट करता है आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैं डिफाइन करता हूं, द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट। इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली, इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाता होगा, कुछ भी तो भी रोटेशन देता होगा कोई एंगल से, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर अगर आपने लाइट डाला, अगर वो रोटेट हुआ आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फिनोमिनन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओके, अगर मैं एक ऐसा एक बीकर में एक कंपाउंड ले रहा हूं और उसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहा हूं, अब यहां पे क्या हो रहा है, जब मैं प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहा हूं उसके ऊपर, तो ये उसको रोटेट कर रहा है, वो लाइट को कुछ तो भी रोटेट कर रहा है। तो अगर कोई कंपाउंड, देखो अगर कोई कंपाउंड, अ कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट,
सच अ कंपाउंड, इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऐसा अगर कोई कंपाउंड होगा जो रोटेट कर रहा है तो उसको प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ये फिनोमिना जिससे ये रोटेट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जिस फिनोमिना से प्लेन पोलराइज लाइट अगर रोटेट होता होगा उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होगा, अगर आपने किसी भी कंपाउंड के सोल्यूशन के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डाल दिया और ये जैसे के वैसा बाहर आ गया विदाउट एनी रोटेशन, नॉट क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये क्या है, इससे प्लेन पोलराइज को कहीं भी रोटेट नहीं किया, ना ही क्लॉकवाइज घुमाया ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, यानी वो क्या है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड, अ कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो देखो अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज को अगर रोटेट करता होगा तो उस फिनोमिनन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अगर वो कंपाउंड जो कंपाउंड इसको रोटेट करता है किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर वो रोटेट नहीं कर रहा होगा प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या रहती है। तो प्लेन पोलराइज लाइट पे सब चीजें हैं, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर देंगे फिनोमिनन ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो कंपाउंड करता है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, और जो नहीं करता है उसको हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये सब आप अब नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।